चुनाव में भाजपा का परिवारवाद। किरोड़ी लाल मीणा के भाई को टिकट, सलूम्बर से पूर्व विधायक की पत्नी कैंडिडेट, 84 की टिकट पर फैसला नहीं। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने राजस्थान की 7 में से 6 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने दौसा सीट से मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को प्रत्याशी बनाया है। सलूम्बर सीट पर दिवंगत विधायक अमृत लाल मीणा की पत्नी शांता देवी मीणा को उम्मीदवार घोषित किया है। झुंझुनू सीट से राजेंद्र बामू, देवली उनियारे से पूर्व विधायक राजेंद्र गुजर, खींवसर से रेवंत राम डांगा, रामगढ़ से सुखवंत सिंह को टिकट दिया है। 84 सीट पर भाजपा ने अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। बीजेपी ने खींवसर को छोड़कर सभी सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए हैं। झुंझुनू से पिछले चुनाव में उम्मीदवार बबलू चौधरी का टिकट काटकर राजेंद्र बामू को दिया है। देवली उनियारा सीट पर कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला के बेटे और 2023 में उम्मीदवार रहे विजय बेसला का टिकट काटकर पूर्व विधायक राजेंद्र गुजर को उम्मीदवार बनाया है। दौसा से पूर्व विधायक और पिछले उम्मीदवार शंकर लाल शर्मा का टिकट काटकर किरोड़ी लाल मीणा के भाई और पूर्व आरएएस जगमोहन मीणा को टिकट दिया है। रामगढ़ सीट से जय आहूजा का टिकट काटकर 2018 में हारे हुए उम्मीदवार सुखन सिंह को मौका दिया गया है। खींवसर सीट से भाजपा ने 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे रेवंत राम डांगा को एक बार फिर टिकट दिया है। रेवंत राम डांगा विधानसभा चुनाव से पहले आरएलपी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। उनको आरएलपी प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल ने 2069 वोटों के मामूली अंतर से हराया था। यह हनुमान बेनीवाल की अब तक की सबसे छोटी जीत थी। हनुमान बेनीवाल को कड़ी चुनौती देने के कारण रेवंत राम डांगा पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है। झुंझुनू सीट से भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र बामू लगातार 2 बार से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया था। इसके बाद उन्होंने बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ा था। उनको 42,000 से ज्यादा वोट मिले थे। भाजपा ने इस बार परिवारवाद को लेकर अपना रूप बदल दिया है। 6 में से 2 सीटों पर नेताओं के परिवारों से टिकट दिए गए हैं। दौसा से मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को टिकट दिया है, जबकि किरोड़ी लाल के भतीजे राजेंद्र मीणा भी महुआ से बीजेपी के विधायक हैं। जगमोहन मीणा को टिकट मिलने के बाद अब किरोड़ी की नाराजगी दूर होने के संकेत हैं और वह अब अपना इस्तीफा भी वापस ले सकते हैं। जगमोहन मीणा को टिकट देकर किरोड़ी लाल मीणा फैक्टर को साधने का प्रयास किया गया है। भाजपा ने सलूम्बर से दिवंगत विधायक अमृत लाल मीणा की पत्नी शांति देवी को टिकट देकर सहानुभूति कार्ड चला है। पिछले कई उपचुनाव में सहानुभूति कार्ड कारगर रहा है। पिछली बार राजसमंद से विधायक किरण माहेश्वरी के निधन के बाद उनकी बेटी दीप्ति माहेश्वरी को टिकट दिया, वह उपचुनाव भी जीती और अभी विधायक है। कांग्रेस राज में हुए उपचुनाव के दौरान कांग्रेस और बीजेपी ने दिवंगत विधायकों के बेटे बेटियों को टिकट दिया और वह चुनाव जीते। सलूम्बर से भाजपा प्रत्याशी शांता देवी अभी सेमारी सरपंच है। साल 2015 में विधायक अमृत लाल मीणा ने अपनी पत्नी को सेमारी सरपंच पद का चुनाव लड़ाया था। इसमें उनकी पत्नी शांता देवी को जीत हासिल हुई थी। शांता देवी की प्रतिद्वंदी उम्मीदवार सुगना देवी ने शांता देवी की कक्षा 5वीं की फर्जी मार्कशीट को लेकर शिकायत दर्ज कराई। सीबीसी आईडी ने मामले की जांच शुरू की। इसमें विधायक की पत्नी के मार्कशीट फर्जी पाई गई थी। करीब 3 साल पहले उदयपुर की सरडा कोर्ट ने फर्जी मार्कशीट पर पत्नी को पंचायत चुनाव लड़ने के आरोप में सलूम्बर विधायक सब अमृत लाल मीणा को जेल भेजा था। दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबर। ऐसी खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।